हर महादेव। दगड़ियो गुड मॉर्निंग। पहला कैसा आप सभी लोग, उम्मीद है कि सभी अच्छी होंगे। तो दगड़ियो मैं विशाल रावत उत्तराखंड अल्मोड़ा से स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी बज रहे दगड़ियो सुबह के 7:30। तो सुबह सुबह मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ दगड़ियो। आज मैं जा रहा हूँ जागेश्वर धाम मंदिर शिव भगवान के दर्शन करने के लिए, है ना, क्योंकि सावन का महीना भी लग रखा है। तो इसी उपलक्ष्य में दगड़ियो आज मैं जाता हूँ, दर्शन करके आता हूँ भगवान जी के, और साथ में आपको भी कराते हैं। तो नहा धो के मैं रेडी हो गया हूँ और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रखा। आज तो मैं शाम को ही खाऊंगा, आज मेरा फास्ट है। तो चलते हैं, बाकी साथ में भाई भी आ रहा है पड़ोस के गाँव का, पंकज भाई, ठीक है, अभी हम साथ में जाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं। बाकी बात करें आज के मौसम की, तो मौसम भी आप देख सकते हैं आसमान पूरा क्लाउडी हो रहा है और धूप भी आने लग गई दगड़ियो हल्की फुल्की, सामने आप देख सकते हैं पहाड़ में, और पूरा हॉल भी लग रखा है सकुए के डन में। तो मौसम तो कुछ ऐसा हो रखा है, लग रहा है कि शायद सांप भी हो सकता है। तो ऐसे मौसम में आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और बाकी ना मेरा गला भी बैठ रखा है, आवाज़ थोड़ी अजीब सी आपको सुनाई दे रही होगी। तो कल मेरे को बहुत तगड़ा जुखाम लग रखा था। गंगा संग यमुना या चू सरस्वती। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। तो पापा भी उठ गए हैं दगड़ियों, और मम्मी भी आप जा रही है घास काटने के लिए। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। ये चलो फिर, ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ। हाँ, जागेश्वर धाम मंदिर। हाँ यार, अब क्या कर सकते हैं, काम ही ऐसा हो गया ना तुम्हारे पास। चलो कोई बात नहीं। सब रोग भल करूं या की जड़ी बूटी। बाय बाय। हर हर महादेव। हर महादेव। हर हर महादेव है साली। बाय। हर हर महादेव। पारस, हैप्पी बर्थडे। आज भाई का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बर्थडे काटना। हैप्पी बर्थडे यार। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। बाय। ठीक छू। हाँ, ब्याह मिलन। हाँ, केक मंगाया है। ठीक छू। हाँ मम्मी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आमो हर हर महादेव। चलो फिर मिलते हैं शाम को। हाँ ठीक है, आराम से जाऊंगा। का लल गो टैंकी का सिंटेक्स है वो देर। ताऊ जी, हर हर महादेव। हर महादेव। आज मैं जा रहा हूँ ताऊ जी जागेश्वर धाम मंदिर। अच्छा, जागेश्वर मंदिर में भोले बाबा के दर्शन करने। भोले बाबा के दर्शन करके आना। जय हो। हम आपके दर्शन करेंगे। बिल्कुल ताऊ जी, बिल्कुल। ठीक है, फिर आपको वीडियो के जरिए कराए जाएंगे दर्शन। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ ताऊ जी, ठीक है, ओके ओके। और बाकी यहाँ पर देखे दगड़ियो, इतने प्यारे प्यारे फूल भी लग रखे हैं ताऊ जी के इस प्यारे से बगीचे में। आत्मा को मोक्ष मिलूं हर की पैड़ी। ताऊ जी, गुड मॉर्निंग। हर 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 महादेव। ताऊ जी आज जागेश्वर धाम जा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। जय भोलेनाथ की जय। जय भोलेनाथ। देव भूमि प्यारी मेरी, देव भूमि गंगा। सो फाइनली दोस्तों, अभी पहुंच गया मैं रोड में, और जो आज के मेरे इस सफर के साथी होने वाले हैं हमारे पंकज भैया दगड़ियों, जिन्हें हर कोई जानता है हमारे इलाके के, और ये आज मेरे साथी है। ये मेरा दगड़ियों भाग्य है कि आज इनको टाइम मिल पाया। पंकज भैया, पहले आपको नमस्ते। ओ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमस्ते। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। आज हम जागेश्वरी धाम जा रहे थे, आपके भी दर्शन हो गए। जागेश्वर जाओ और तुम्हारा क्या कहते, वीडियो बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल करो, बिल्कुल मस्त से, और आशीर्वाद उनको भोलेनाथ का मिलता रहेगा। और इसके लिए दुआएं करो, एक लड़की जल्दी जल्दी मिल जाए। बिल्कुल मिलेगी। लोकल होकल में कुछ ज्यादा हजर बजर कर रहे हैं। मिलेगी मिलेगी। हर हर महादेव। पंकज भैया, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आज पंकज भैया और मेरा सफर होने वाला है दगड़ियों जागेश्वर धाम तक का।
ठीक है, तो अपनी कल्लो को लेकर जाते हैं हम तो ठीक है फिर दगड़ियों चलते हैं और इस सफर को सुहावना बनाते हैं। बाकी ऐसी ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पता नहीं क्या होगा आगे को, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। और बाकी निकलते हैं आप तो ठीक है फिर दगड़ियों, जागेश्वर धाम के दर्शन करते हैं। सावन का महीना भी चल रहा है, बस थोड़ी आवाज मेरी आज कम हो रखी है। गंगा संग यमुना या चो सरस्वती देव भूमि प्यारी मेरी। ये है दगड़ियों कल्लो, ले जाते हैं कल्लो को। अरे ये क्या लगा इसमें यार, ओहो चलो कोई नहीं। तो दोस्तों अब निकलते हैं जागेश्वर धाम की ओर, बाकी धौलचना तक मैं ले जाता हूँ स्कूटी को, फिर उसके बाद से पंकज भैया ले जाएंगे। ठीक है, अभी मैं लर्निंग वाला हूँ, ये परमानेंट वाले हैं, तो धौलचना तक ले आता हूँ मैं, फिर उसके बाद से तुम ले आना। तो अभी पहुंच गए दोस्तों हम धौलचना, और यहाँ का जो सबसे फेमस है वो है भात दाल है। तो अभी फिलहाल दगड़ियों हम धौलचना पहुंच गए हैं, और धौलचना से आगे का सफर अब आगे के जो चालक हमारे रहेंगे पंकज भैया, जो हमारे पायलट हैं, ठीक है, अब इनके साथ ही अब यही चलाएंगे दगड़ियों गाड़ी आगे को, और मैं पीछे बैठ जाता हूँ आराम से। ठीक है, तो ठीक है, बाकी आज भाई पहली बार ही मेरी स्कूटी चला रहे हैं ना। दूसरी बार, इससे पहले भी चलाई, अच्छा हाँ इससे पहले भी चलाई थी, जिस दिन स्कूटी में लाया था उसी दिन चला ली थी शाम को, है ना, पेट्रोल पंप में ही और आज ये दूसरी बार, लेकिन मतलब जो लंबा उस दिन तो क्या ही चलाई थी, मतलब खाली एक देखा था, है ना, लेकिन प्रॉपर मतलब जो चलाना है वो आज ही हो रहा है। और बाकी यहाँ के रास्ते देखिए, यहाँ पे पूरे रास्ते टूट रखे हैं, रोड भी टूट रखी है, पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। तो पंकज भैया कुछ बोल नहीं रहे थे, तो आप प्रॉपर मैं ही ब्लॉग शूट करूंगा दगड़ियों, अब मैं ही चलाते रहता तो फिर कुछ बोल नहीं पाते ना, तो फिर मजा नहीं आता आपको भी तो कुछ इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए फिर ब्लॉग में चीजें, जो फिर मैं आपको बता भी पाऊँ, अब खाली फिर दिखाते रहूंगा तो वो भी फायदा नहीं है। अभी हम पहुंच गए फिलहाल कलौन, ये धौलचना से थोड़ा आगे पड़ता है, और यहाँ पर मैंने स्कूल 2 साल पढ़ाया दगड़ियों पार्वती कॉन्वेंट में, यहाँ पर ये बसें भी खड़ी मेरी स्कूल की, आप देखिए 2 बसें, और जो स्कूल है ना मेरा जहाँ मैंने पढ़ा है वो यहाँ ऊपर है, वो ऊपर देखो दिखाई दे रहा होगा, साल पढ़ी दगड़ियो मैंने स्कूल 9 और 10 में यहाँ पढ़ो। तो अभी पहुंच गए दोस्तों हम बाड़ीचिना, और बाड़ीचिना पहुंचते ही ना यहाँ से एक रोड ये जाती है नीचे को अल्मोड़ा साइड को, और ये जा रही है जागेश्वर धाम की ओर। तो अब इसी रोड को हम अंदर को घुसते हैं, ये पनवनौला से होते हुए जाएंगे हम जागेश्वर को। ये इस गांव का नाम है तोली, अभी हम पहुंच गए तोली में, हर हर महादेव तोली। तो अभी पहुंच गए दोस्तों हम पनवनौला, और ये है पनवनौला की मार्केट, और यहाँ पर हमारे कुछ रिलेटिव भी रहते हैं, जो मेरी बुआ है दगड़ियों सबसे छोटी वाली बुआ, उनकी यहाँ पर दुकान भी है, उनकी दुकान भी दिखाऊंगा मैं आपको, उन्होंने किराए में लगा रखी है। ये है सुंदर भैया का घर, और कहाँ रुकना है मेरे को अंदाजा जैसा जो नहीं आ रहा है, यही रुक जाओ तो यहाँ रुक दो। जो ये बाट जनो दगड़ियो, यो बाट छू माल जागेश्वर लीजी वृद्ध जागेश्वर। चीनी चाह पी लिया, चीनी कम रहे थोड़ा, ठीक है पिल्ले। मजा आ गया यार, ठंडा बहुत लग रहा है लेकिन इस साइड को ना ठंडा बहुत हो रहा है, बनीन पैर भी उड़ जाए ची। हड़का हेलो पर जहाँ आप निकल दिनो चलो पर देर लो ने आप, हाँ कुछ भूल तो नहीं गया ना वहाँ, फोन जेब में ही है। चल अभी हम पहुंच गए दोस्तों आड़तोला, ये देखिए आड़तोला की मार्केट, ये रोड साइड के घर, वाओ व्हाट अ व्यू, व्हाट अ नाइस व्यू, मजा आ गया।
बस मौसम शांत है दोस्तों, आसमान में तो बादल छा रहे ना, बादल छाए कोई दिक्कत नहीं है, बस बारिश ना हो आज के दिन। आज के दिन बारिश नहीं चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो फिर पूरा मूड खराब हो जाएगा। आप यहाँ से नीचे को जाएंगे ना रोड, ये जागीसराय रोड, चलो जय हो हर हर महादेव। कवन गाड़ी आए ठड़ा रही आ रहे हो है? अच्छा मतलब दूसरी गाड़ी जल्दी होगी ना, वो जागेश्वर वाली। अच्छा अब बाकी टू व्हीलर ले आ सकते हैं हम। ओहो अच्छा हुआ फिर हमारे पास टू व्हीलर ही है, अगर फोर व्हीलर में आते दोस्तों तो फिर यहाँ से हमें अलग गाड़ी पकड़नी पड़ती, तो ठीक क्या हम जितनी हम स्कूटी लाए अपनी। सभी भक्तों को आप देख सकते हैं दोस्तों, इतने सारे भक्त आज जागेश्वर धाम की ओर जाते हुए। ये गाड़ियाँ देखे दोस्तों आप, इतनी सारी गाड़ियाँ भाई साहब, नीचे पार्किंग देखो आप, पूरी पार्किंग स्लॉट भर रखी है और यहाँ पर रोड का किनारा भी पूरा भर रखा है, गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं है यहाँ पर, इतने सारे भक्त आ रखे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आज भी। ठंडा कितना लग रहा है यहाँ पे है? ठंडा देव भूमि गंगा संग यमुना सरस्वती, देव भूमि प्यारी मेरी देव भूमि, जय हो जय हो जय हो हर महादेव को मिली हर स्वर्ग की सीढ़ी। तो आप भक्तों की भीड़ देख रहे होंगे जो पैदल जा रहे हैं यहाँ से, जिनको गाड़ियाँ नहीं मिल रही है। अब गाड़ियाँ मिल भी रही है तो दगड़ियों अब इतनी भी गाड़ियाँ नहीं चल रही कि इतने सारे लोगों को ले जा सके ना, अब बहुत कम गाड़ियाँ चलती इस रूट में, तो बहुत सारे लोग पैदल भी चल रखे हैं। गुरुद्वार बादलों में उच्च जात, ठीक हो? कहाँ से आए हो आप? कहाँ से? ये कहाँ हुआ? ये काफी खान से आ गया। अच्छा अच्छा चलो, मेरी पहली सब्सक्राइबर मेरे को मिल गई यहाँ पर। मेरी देव भूमि गंगा संग यमुना या चो सरस्वती, देव भूमि प्यारी मेरी देव भूमि गंगा संग यमुना या चो सरस्वती।